अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली नवाज़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल अली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली तौर पर डिलीट कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर फेसबुक अकाउंट अगर आप अपना डिलीट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम नए आने वाले सार्फिन से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बटन घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले आपने अपने फेसबुक ऐप को ओपन करके उसमें अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी, जो आप डिलीट करना चाहते हैं उसे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा सा आना है और यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट्स पर क्लिक करना है। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपने फिर हेल्प सेंटर में जाना है। हेल्प सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर आपने सर्च में लिखना है डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट लिखकर आपने सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ गया, हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करना है। तो अकाउंट वगैरह डिलीट करना, ये सब काफ़ी लोगों को इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि किसी वजह से अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो पहले कन्फर्म कर लें कि आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो जो आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं वो अकाउंट आपने लॉगिन करना है। तो उसके बाद जब आप हेल्प सेंटर में आकर सर्च में लिखेंगे डिलीट माय अकाउंट, तो उसके बाद हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको लिखा नज़र आएगा लेट अस नाउ पर क्लिक करना है अपने। जैसे आप लेट अस नाउ पर क्लिक करेंगे तो कन्फर्म फेसबुक अकाउंट डिलीशन, जो आपने फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है उसके बारे में उसका वो पासवर्ड पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड लगाना है, जो आप अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो उसका आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड लगाता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी फेसबुक आईडी खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी। अभी दिखा रहा है सीज़न एक्सपायर। जैसे ओके पर क्लिक किया तो फेसबुक अकाउंट मेरा जो है वो लॉग आउट हो गया। अब इस अकाउंट को दोबारा लॉगिन नहीं करना पूरे 14 दिन के अंदर अगर आप फिर से लॉगिन करेंगे तो फिर अकाउंट डिलीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे मुकम्मल तौर पर डिलीट करना है तो आपने 14 दिन के अंदर आपने इसमें लॉगिन नहीं करना। अगर आप 14 दिन के बाद लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपका लॉगिन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का बटन होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स।